अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर हुसैन, आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे नेक डिज़ाइन बनाना। तो ये हमारा ट्राउज़र का कपड़ा है और इसमें जो फूल हैं कंट्रास्ट वाले, तो इस कलर की हमने सिलाएं लगानी हैं इस ट्राउज़र के कपड़े पे। इसकी लंबाई जो है 13 इंच है, चौड़ाई इसकी 6.5 इंच है और हमारा गला जो होगा वो है 8.5 इंच ऊपर से और डीप 3.5 इंच बोट गला है ये। तो ये हमारा ट्राउज़र है, ट्राउज़र का ही हमने कपड़ा लिया है ये। तो इसको कपड़े को हमने इस तरह से क्रॉस में इसको इस्त्री करना है, इसी तरह से फिर हमने इसकी क्रीज बनाते जाना है 1/2 इंच के गैप से। इसके हम ऐसे ही क्रीज बनाते जाएंगे इस तरह से। ये सारे कपड़े पे हमने जो है इसी तरह से बना लेना है। अब इस पे हमने सिलाएं लगानी है। ये इस कलर के जो फूल हैं प्रिंट है उसी कलर का हमने धागा जो है ऊपर भी और नीचे भी सिंगल धागा जो है चढ़ा लेना है और इन पे जो है सिलाएं लगा लेनी है हमने। इसी तरह से हम ये सिलाएं लगाते जाएंगे सारी। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हमने इसका गला कटिंग कर लेना है। तो ऊपर से गले का फैलाव जो है 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच का हाफ हम करेंगे 4.25 इंच। तो यहाँ से 4.25 का निशान लगा लेंगे और डीप 3.5 है, तो ये डीप हम यहाँ से 4 इंच रखेंगे। बोट कला है तो इसी तरह से इसको डीप रखा जाता है, मतलब नाप इसका अगर आपने 3 रखना है, 3.5 रखना है, 4 रखना है, इसी तरह से आपने निशान लगाना है सीधे में। अब यहाँ से इसको 1/4 इंच का निशान लगाते जाएंगे क्योंकि ये हमने गला सीधी तरफ पलटाना है शर्ट के, तो इसको एक जैसा हम कटिंग करेंगे। 1/4 इंच की हम चौड़ाई रख रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ से तो ये सिलाएं बिल्कुल सीधी आ रही हैं, लेकिन यहाँ से हमारी ये कपड़े की सिलाएं जो हैं गले में नज़र नहीं आ रही हैं। तो अब हम इसका क्या करें,
तो इसको हमने इस तरह से डबल करके सेंटर से इसको हमने कटिंग कर देना है कपड़े को, यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद फिर हमने इसको ये गला हमने रखा, जैसे इस तरफ से सिलाई आ रही है इस तरफ से भी वैसी आनी चाहिए, तो इसको हमने इस तरह से पलटा लेना है। अब ये देखिए दोनों तरफ से हमारी सिलाई एक जैसी आ रही हैं, तो अब हमने इसको जोड़ लगा लेना है यहाँ से, इस सिलाई से सिलाई बिल्कुल मिला के, बिल्कुल सिलाई मिला के हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। ये नोक है, इसकी नोक हमने इस तरह से गले के साथ मिला के रखनी है। अब ये हमने गला शर्ट की उल्टी तरफ से रख के सीधी तरफ इसको हमने पलटाना है। पहले हमने इसकी सेंटर की सिलाई लगा लेनी है, शर्ट का सेंटर और इसका गले का सेंटर मिला के। इस्त्री लगा के अब हमने ये वाली इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। तो अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।